अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको मैं अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। टिकटॉक पर पाबंदी, खातून वॉइस इंटरटेनमेंट के खो जाने पर रो पड़ी। हमारा एंजॉय करने का और इंटरटेनमेंट का एक ही तो जरिया था, जब पाबंदी का पता चला तो यूं लगा जैसे कोई अपना ही फोत हो गया। खातून की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होगी। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद अवाम की तरफ से मुख्तलिफ किस्म का रद्द अमल देखने में आया है। इसी हवाले से एक खातून टिकटॉक ऐप को अपनी तफरी का वाइज जरिया करार देते हुए रो पड़ी। तफसीलात के मुताबिक समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर मरूफ सहाफ़ी रज़ा रूमी की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें एक खातून शहाना सियार रोते हुए कहती है कि वो टिकटॉक ऐप पर वीडियोस बनाकर अपलोड करती थी। मैं सोकर उठी तो मुझे मेरे कज़न का मैसेज आया कि ये देखो क्या खबर आई है, जिसमें बताया गया था कि टिकटॉक ऐप पर पाबंदी लग गई है। खातून ने कहा, हमारा एंजॉय करने का और इंटरटेनमेंट का एक ही तो जरिया था, जिसकी वजह से दिल लगा रहता था। जब से पाबंदी का पता चला तो यूं लगा जैसे कोई अपना ही फोत हो गया। इसको बंद करने की क्या ज़रूरत थी? टिकटॉक की कौन सा किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? जबकि पाबंदी के बाद घर के दीगर अफराद बेपनाह खुश हैं। याद रहे कि पीटीए ने मुल्क भर में टिकटॉक एप्लीकेशन ब्लॉक कर दी है। इसी हवाले से पीटीए हुकाम का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद पर खत लिखकर काबिले इतराज़ और नामनासिब मवाद हटाने का कहा गया, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐप पर पाबंदी का फैसला किया गया, जबकि टिकटॉक इंतजामिया को जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई थी। तमाम शिकायात का अजाला ना करने पर टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई। इस सिलसिले में पीटीए की जानब से एक अलामिया जारी किया गया, जिसमें ऐप को बंद करने के बारे में तहरीरी तौर पर आगाह किया गया। वाजिरे के पीटीए ने कई मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स पर गैर इखलाकी मवाद फैलाए जाने की शिकायत के बाद एक्शन लिया था। तो नाजरीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।